ये यहाँ पर अचार तोल रहे हैं डब्बे में, तोल के रख देते हैं। यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ नीचे बाजार में। स्कूल के बच्चों की भी छुट्टी हो गई है, देखो घर जा रहे हैं बच्चे। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा पहला नमस्कार, छोटों का आशीष प्यार स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और सुबह के 8 बजे हैं, आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी कर रही हूँ। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं किचन में से, और आज मैं सब्जी पे क्या बना रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। आज इस सीज़न की पहली सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, इस चीज़ की आज पहली बार ही बना रही हूँ, दिखाती हूँ आपको भी। और क्या क्या बना रही हूँ मैं घर की आज सब्ज़ी में, नाश्ते की सब्ज़ी है ये। हमारे पहाड़ों में बनाते हैं इस चीज़ की सब्ज़ी, पहाड़ों में तो सभी को पता होगा कि इसकी सब्ज़ी बनाते हैं करके। मैं दिखाती हूँ आपको क्या चीज़ है ये नई इस सीज़न की। देखिए ये नई सब्ज़ी इस साल की दिखाती हूँ मैं आपको। यह है कद्दू का बेल होता है जो, उसके टूके हैं ये। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है इसकी, हम बनाते हैं इस बार तो आज ही बना रही हूँ मैं इसकी सब्ज़ी। देखिए इनको तोड़ते हैं, ये जो ये बेल जैसे हो रहे हैं इनको तोड़ देते हैं, इनको सारा निकाल देते हैं। इनको निकालने के बाद से बढ़िया करके इनको छील के तब इनकी सब्ज़ी बनती है। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है इनकी, हरी सब्ज़ी। और मैं इनको तोड़ लेती हूँ फटाफट से। देखिए जैसे ये सब्ज़ी है ये, इसको निकाल देते हैं और इसको भी निकाल देते हैं, और जो इसका रेशे जैसे हैं ना, ये रेशे भी निकालने पड़ते हैं। ये ऐसे निकालते हैं इनको, फिर बीच से तोड़ा तो सारे रेशे निकल जाते हैं। इसी प्रकार से तोड़ छीलना पड़ता है इनको, ये ऐसे छील लेती हूँ मैं। देखिए सारे ये टाइम तो लगता ही है इसमें, बहुत टाइम लगता है इसे छीलने में। ये छील दिया और जो जड़ टाइप की है इनको निकाल दिया। ये बीच से तोड़ के भी देख लिया कहीं से और रेशा निकल रहा है तो। ये देखिए सब्जी बीन के तैयार कर दी है मैंने। यहाँ पर ये जो बीना हुआ है वो सब्जी रखी हुई है, और यहाँ पर इतना सारा निकल गया है। देखिए सारे तोड़ दिए हैं मैंने, जो खाने वाला नहीं होता है उसको निकाल के रख दिया है। अब मेरी सब्जी तैयार हो गई है, अब मैं इसको धो के काट लेती हूँ। देखिए हमारी सुबह की चाय भी तैयार हो चुकी है, अब हम पीते हैं गुड़ के साथ चाय सुबह की। और यहाँ पर ये देखिए डब्बे भी हमने साफ़ करके रख दिए हैं, इनमें अचार डालने के लिए डब्बे तैयार किए हैं इतने सारे। ये देखिए इनमें सब साफ़ करके रख दिए हैं, और इनमें अभी थोड़ी देर में अचार डालना है। अचार पैकिंग करके रख देंगे बिक्री करने के लिए। कल रात को यहाँ पर बहुत ज़ोर की बारिश आई हुई थी, इसकी वजह से कितने पेड़ पौधे सारे अस्त व्यस्त हो चुके हैं, और सारे हमारे अंदर भी भीग चुका है। अब दिखाती हूँ मैं अभी बाहर का मौसम कैसा बना है करके। देखिए अभी तो हल्की सी धूप आ गई है, और देखिए अभी भी बादल लगने लग गए हैं, चारों तरफ से पानी ले जा रहे हैं बादल आसमान में। और धूप इस प्रकार हुई है आज यहाँ पर, जैसे जाड़ों में होती है पाला कोहरा जैसा दिखता है चारों तरफ, ऐसी धूप लगी हुई है। और इस बारिश ने देखो कल कैसा कर दिया, सारे पेड़ पौधे अस्त व्यस्त कर दिए हैं इन्होंने। देखो ये सारे, इतनी तूफान वाली बारिश आई ना कल, इसकी वजह से सारे पेड़ पौधे टूट ही चुके हैं लगभग। ये देखिए सारे पेड़ ऐसे हो गए हैं कि पूछो मत, कल मैंने सारे बांधे हुए थे ये, आज फिर से वही हालत हो गई है। देखो सारे टहनियाँ फिर से नीचे टूट चुकी हैं, अभी और दोबारा से बांधना पड़ेगा मेरे को। ये तो छोटे से पेड़ हैं, ये देखो ऊपर भिक्कू का पेड़ देखो सारा लटक के नीचे आ चुका है, ऐसा तूफान वाला बारिश आया। अब दिखाती हूँ मैं अंदर कहाँ तक हमारी दरी भीगी हुई है करके। देखिए यहाँ पर है ये चैनल है, और इतने ऊपर हमने दरी बिछाई थी है, ये दरी हमारी पूरी यहाँ तक भीग चुकी है, इतनी गीली हुई है ऐसा लग रहा है धो के अभी बिछा रखी है दरी, कल रात से ही हाल है इसका। ये देखो ये नीचे भी देखो सारा भीग के कैसा हो गया है, इतनी बारिश हवा में बारिश आई ना इसलिए सारे अंदर ही घुस गई वो बारिश। कल शाम के टाइम पर जब से यहाँ पर बारिश लगी
तब से यहाँ पर लाइट गई हुई है। सारी रात बिना लाइट के रहे हम, अभी भी लाइट नहीं आई हुई है, क्योंकि पहाड़ों में ऐसा ही होता है, जब भी बारिश तूफान कुछ भी आता है तो लाइट चली जाती है, फिर या एक दिन में या दो तीन दिन में ऐसे ही लाइट आती है। कम बारिश होती है तो आ भी जाती है कभी कभी, और आज तो आई नहीं है, कल शाम को चली गई थी लाइट, तब से अभी तक नहीं आई हुई है लाइट। और मेरी बैटरी भी बहुत कम है, थोड़ा सा बना लेती हूँ अभी, क्या पता दिन में तक आ जाएगी लाइट, तो फिर चार्ज कर लूँगी। ये यहाँ पर अचार तोल रहे हैं डब्बे में, तोल के रख देते हैं, और अभी डब्बे दिखाए थे मैंने आपको, साफ करके रखे थे। और यहाँ पर ये तराजू भी रखा हुआ है। ये डब्बे का वजन करने के लिए रखा हुआ है, और यह है 1 किलो। यहाँ पर तुलाई हो रही है, तोल रहे हैं, 1 किलो फिक्स करके डालेंगे। ये देखिए तोल के रख दिया है, देखिए तोल के रख दिया है। वैसे तराजू ज़्यादा झुकता हुआ है, पर कोई बात नहीं, होता ही है इतना। एक डब्बा पैक हो चुका है, ये देखिए अचार के डब्बे पैक हो चुके हैं, अभी 6 डब्बों में पैक किया है सिर्फ। अभी अभी मैंने खाना खा दिया है, और घर का काम करने के बाद अब मैं जा रही हूँ दीवार के लिए, और दीवार में मेरा काम है, दीवार जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सोसाइटी में भी जाना है, राशन भी लाना है। हाँ, सोसाइटी में जाना है मुझे आज, राशन मिल रहा है वहाँ पर, और दिखाती हूँ वहाँ पर खुला है नहीं खुला है, कितनी भीड़ है क्या है करके जाती हूँ। मुझे देर हो रही है, अभी धूप भी लग गई है, और सांप कीड़ों का निकलने का समय भी हो गया है अभी, और डर भी लग रही है धूप में जाने में, सांप की ज़्यादा डर लग रही है। देखिए पहुँच चुकी हूँ मैं बाज़ार में, और नीचे बाज़ार में हूँ अभी मैं, और यहाँ पर बच्चों की छुट्टी भी हो चुकी है, बच्चे जा रहे हैं अपने अपने घरों को। अभी अभी सोसाइटी से घर पहुंच चुकी हूं मैं, और खाली जाना हुआ आज भी मेरा, इतनी धूप में गई, और वहां जाते जाते ही सोसाइटी बंद हो गई थी, थोड़ी देर के लिए खोली उन्होंने 1 घंटे के लिए, और लाइट नहीं होने के कारण तराजू बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, जो तराजू में चार्ज होता है, तो किससे तोलते वो भी, और उन्होंने बंद कर दिया सोसाइटी, खाली जाना हुआ। कई लोग गए, कई लोग वापस आ गए हैं, और मैं भी खाली वापस आ गई हूँ। अब देखते हैं कब तक मिलता है, क्या होता है, और अब बनाती हूँ मैं खाना। शाम के 5 बज चुके हैं, और अभी सासू जी आए हैं यहाँ पर घास काटने के लिए, दराती तेज़ कर रहे हैं। ये देखो, घास काटने से पहले दराती तेज़ करनी पड़ती है। अब जाएंगे घास काटने के लिए हम, अपन पे है दातुल पयोनी, आज जानू घा काटना था, तो वहाँ बेय दियोल सारा ढई को घा, तो हो कौन है अब जा रहे हैं घास काटने के लिए नीचे को। बैठो सा, घा काटनिया हो यो, हो ये साओ यो ढोई भी बेई यो, बाटे में जानी है। ये देखिए रास्ते में कितना सारा घास हो गया है, ये बहुत घास हुआ है इसमें, इसको साफ करते हैं, आने जाने के लिए परेशानी हो रही है लोगों को, इसको काटते हैं पहले। देखिए अभी सारा घास कट चुका है, साफ कर दिया है मैंने, यहाँ पर रास्ता साफ बना दिया है, यहाँ तक सब काट दिया है मैंने। ये देखिए सारा कूड़ा रख दिया है इधर को, अभी बहुत ज़्यादा हुआ था, अभी अच्छा लग रहा है रास्ते में, चलने में भी अच्छा होगा। आप सभी को मेरा नमस्कार, और सुबह के 7 बजे हुए हैं, और कल ब्लॉग एडिटिंग भी नहीं कर पाई मैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है 2 दिन से, और थोड़ी सी बैटरी बची है, अभी थोड़ा वीडियो बना रही हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको। हम कपड़े पैक कर दिए हैं हमने, अब जाने के लिए
मैं भी तैयार हो जाती हूँ। देखिए पैक कर चुके हैं सामान सारा कपड़े। और आज के ब्लॉग को बस यहीं पर समाप्त करती हूँ। मेरी मोबाइल की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मिलते हैं अगले ब्लॉग पर।